आज हम सीखेंगे कि सर्वर पर डेटा कैसे अपलोड किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले गूगल खोलेंगे, अपना जो भी जहाँ पर भी सर्वर का अकाउंट है, जैसे अपना गोडेडी में है तो गोडेडी का अपना अकाउंट ओपन करेंगे। गोडेडी में जाएंगे, GoDaddy.com, ये अपना अकाउंट ओपन हो गया है। विजिट माई अकाउंट में जाएंगे, हॉस्टिंग में, हॉस्टिंग के अंदर मैनेज में जाएंगे, प्रतीक मोबाइल में डेटा अपडेट करना है अपने को, इसमें तो चालू है ही प्रतीक mobile.com, तो इसके मैनेज में जाएंगे। ये सी पैनल खुल रहा है प्रतीक mobile.com। फाइल मैनेजर में जाएंगे, ओके। अभी ये डेटा ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है तो इसको सबको हटा देंगे, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, डिलीट, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, प्रेस। ठीक है, अब खाली हो गया। अभी अगर इस समय हम अपना, क्योंकि इस समय हमारे सर्वर पर कोई भी डेटा नहीं है, तो यदि ये देखिए प्रतीक mobile.com हमने खोला तो ये खुल गया, दोबारा से रिफ्रेश किया, अब नहीं खुल रहा। क्यों? क्योंकि हमारा सर्वर पर इस समय कोई डेटा नहीं है। तो अभी ये इससे, चूंकि हमारा डेटा कुछ भी नहीं है तो ये नहीं खुल रहा है, कोई नहीं। तो अब हम डेटा कैसे अपलोड करेंगे, इसके लिए हम अपलोड में जाएंगे, और अपलोड में जाने के बाद अभी ब्राउज में नहीं जाएंगे, जो हमारा डेटा है पहले हम, तो ये वेबसाइट के अंदर, एक्स्ट्रा के अंदर, ये प्रतीक मोबाइल के अंदर, ये हमारी वेबसाइट है। तो इसका जो डेटा है वो यहाँ से इस फोल्डर को हम कॉपी करेंगे पहले, और कॉपी करके इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देंगे। और चूंकि क्या होता है कि ये सिंगल फाइल को लेता है केवल, तो इसके लिए हम इस जो हमारा फोल्डर है इसको हम जिप में कन्वर्ट जो कर लेंगे, जिप में। ठीक, और ब्राउज में जाएंगे और ये जो रार फॉर्मेट है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके, ओपन। और ये डेटा हमारा सर्वर पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसमें नेट की स्पीड जो भी होगी तो उस हिसाब से ये अपडेट हो जाएगा। ये हमारा टोटल जो डेटा है वो 8.09 MB का है और लगभग 2-4-5 मिनट में अपलोड हो जाएगा। ठीक, और ये डेटा हमारा अपलोड हो गया। अब इसके बाद हम इसमें आएंगे और इसको रीलोड करेंगे। तो ये जो फाइल हमें यहाँ दिखने लगी इसको सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले कराएंगे इसको एक्सेप्ट, क्लोज, फिर से रीलोड करेंगे। ठीक है, अब चाहें तो आप ये जिप फाइल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट कर दी हमने, और ये जो हमारा डेटा है स्मार्ट प्रतीक मोबाइल, इसको खोलेंगे और इसको भी खोलेंगे, जहाँ पर हमारा इंडेक्स वाला पेज है वहाँ तक जाएंगे, फिर इन तीनों को सिलेक्ट ऑल करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे और इन इस डेटा को ये फोल्डर के अंदर से निकालेंगे। तो प्रतीक मोबाइल के अंदर, प्रतीक मोबाइल का फोल्डर था उसके अंदर है ये public.html तक, ये फोल्डरों के नाम हटा देंगे तो ये डेटा हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक, एंड कॉपी, और इसको दोबारा से रीलोड करेंगे। अब हम इस, ठीक है सर, ये हो गया डेटा अपलोड। अब दोबारा से प्रतीक मोबाइल को ओपन करेंगे और ये वेबसाइट हमारी रनिंग में आ चुकी है। ठीक, और ये सर्वर पर डेटा अपलोड हो चुका है। इसके बाद इस पेज को बंद कर देंगे, इस पेज को भी बंद कर देंगे और इस पेज को यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। ठीक है सर, इस प्रकार से
सर्वर पर डेटा अपलोड किया जाता है।